सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DC रेखा के समान दी है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था परिमिति किसे कहते हैं, हमें DC रेखा के समान परिमिति दी हुई है, तो मैं यहाँ परिमिति ले लेता हूँ इस तरह से, इसका नाम मैं देता हूँ D और C। हमने D और C परिमिति का समद्विभाजन करना है, इस रेखा को दो समान भागों में बांटना है। इस तरह से हम इसको दो समान भागों में बांटेंगे। जहां पे DC रेखा को ये रेखा दो समान भागों में बांट रही, पॉइंट आ गया O। अब आपने क्या करना है, O से B और C जितनी प्रकार खोल के आपने एक अर्धवृत्त लगाना है। अब आपके पास अर्धवृत्त पे जहां समद्विभाजन वाली रेखा काट रही है, ये पॉइंट आपके पास आ गया R। आपने क्या करना है, R पॉइंट को C से और फिर आपने इसको D से डॉटेड मिला देना है। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब आपके पास इसमें दो कोण आ गए हैं, एक कोण आपके पास यहां बन रहा है ये, और एक कोण आपके पास D पे बन रहा है। इन कोणों के नाम यदि आप रखना चाहें तो कहना चाहें तो यह है आपका RDC कोण और RCD, ये इस तरह के दो कोण हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कोणों का हमने समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के लिए जैसे हमने यहां से प्रकार लगाई है, ऐसे आप यहां से चाप आगे लगा देंगे, इन चापों को ऐसे काट देंगे जहां पे कट रही है, इस रेखा को आप C के साथ मिला देंगे। इस समद्विभाजन वाली रेखा, कोण के समद्विभाजन वाली रेखा जहां पे पहले वाले DC रेखा के समद्विभाजन को काट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया K। ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ के जो कोण आपके पास D पे बना हुआ है, इसका भी आपने समद्विभाजन कर देना है। हमने इसको भी मिला देना है और ये भी आपका जो है वो K पर ही जाके मिलेगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब हमारे पास दो रेखाएं और आ गई है, एक KD और KC। हमने क्या करना है, इन रेखाओं का समद्विभाजन करना है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, अपने ध्यान से देखना है कैसे बन रहा है। ये हमने जो समद्विभाजन किया है, ये इस रेखा का हमने समद्विभाजन किया है। अब ये रेखा
जो विभक्त होकर आ रही है इस तरह से, यहां जो पॉइंट आपके पास आ रहा ये आ गया बी। अब आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड भी इसी तरह से डी और के जो रेखा है इसका भी हमने समद्विभाजन करना है। इसको भी हम मिला देंगे। ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ये आपका पॉइंट आ गया है ए। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंटों को आपने के साथ मिला देना है। इस तरह से ये आपकी त्रिभुज बन के तैयार हो गई है। ये इसमें समकोण त्रिभुज बनेगी और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज है। यदि आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो कोण बन रहा था ये आपका समकोण है। इस तरह से ये आपका समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गई है। ये प्रश्न नंबर आपका है 20।